एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। बिकॉज कोरोना महामारी में यदि हम घर पर हैं तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं स्टे होम स्टे से। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि मेरा एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट हो रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो लास्ट में दिया आप लोगों को, और आज उसी क्रम में मैं आज फर्स्ट डे का वीडियो लेकर के आया हूँ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। मैंने आपसे कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा वो डीपली प्रोवाइड करूंगा। कहने का मतलब ये जो सी लैंग्वेज का कोर्स है आपका वो बिगनर्स टू एडवांस होगा, बिगनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जिसको सी लैंग्वेज का कोई भी ज्ञान नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डीपली बताई जानी है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, हम सी लैंग्वेज के हिस्ट्री के बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को फ्री क्लासेस प्राप्त हो पाए। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है? वैसे तो सी लैंग्वेज जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक मिड लैंग्वेज है, इसे हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो सी लैंग्वेज है आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज की तरीके से इसके फीचर्स जो हैं बड़े ही सिंपल हैं, बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। इसमें हम हर काम आसानी से कर सकते हैं, यदि कोई भी त्रुटि हो गई है तो उसका भी सुधार हम कर सकते हैं। और ये लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे हम मिड लैंग्वेज कहते हैं। तो इसकी हिस्ट्री जो है बहुत ही दिलचस्प है, बिकॉज आपको ये मालूम हो कि जो सी लैंग्वेज है उसके फादर हैं डेनिस मार्टिन रिची जी हैं, जिन्होंने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया है। इसकी उत्पत्ति कुछ यूं आप समझें कि 1960 में AT&T वेल लेबोरेटरी, जिसे वेल लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता था, अमेरिका की एक लेबोरेटरीज थी जिसे हम अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जिसे वेल लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता था, 1960 में डेनिस रिची जी तथा उनके साथ कुछ सारे एम्प्लॉइज एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे जिसे मल्टिस्क नाम से जाना जाता था प्रोजेक्ट को। यह प्रोजेक्ट जो था एक बड़े कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने का एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि एक साथ पर हजारों लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते थे। लेकिन कुछ साल बाद यह प्रोजेक्ट ब्रेक कर दिया गया, बिकॉज ये देखा गया कि इससे कंपनी ज्यादा पैसे नहीं बना पाएगी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को ब्रेक कर दिया गया। उसके बाद उसके जो ज्यादातर एम्प्लॉयज अलग प्रोजेक्ट पे वर्क करने लगे, बट इसी प्रोजेक्ट में अंतर्गत केन थॉमसन जी थे जिन्होंने सर मार्टिन रिचर्ड्स के बनाए हुए BCPL को इम्प्रूव किया। वैसे केन थॉमसन जी जो कि मल्टिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे, उन्होंने एक सिस्टम फाइल जनरेट किया जिसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करके उन्होंने एक सिस्टम कंप्लीट किया जिसे यूनिक्स का नाम दिया गया। यूनिक्स जो बनाया गया वो कंप्लीटली असेंबली लैंग्वेज पर बना हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया, सर मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा बनाए गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL, जिसे हम बेसिक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, उसको उन्होंने इंप्रूव किया और उनको सम्मान देते हुए उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम बी लैंग्वेज रखा, जिस पर उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। फिर और ये जो बी लैंग्वेज केन थॉमसन जी ने डेवलप किया वो 1969 में किया। इसके बाद लेकिन कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी वी लैंग्वेज में। वी लैंग्वेज जो था वो डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करता था तथा इसमें स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी भी नहीं थी। कहने का मतलब इसमें स्ट्रक्चर का फंक्शन भी अवेलेबल नहीं था या प्रयोग नहीं किया जा सकता था। फिर सर डेनिस रिची ने 1972 में बी लैंग्वेज में जो कमियां थी उसको उन्होंने इम्प्रूव किया तथा उसमें कुछ और भी फंक्शन और भी गुणवत्ताएं उन्होंने जोड़ी और भी उसमें इम्प्रूवमेंट किया और उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप किया जिसे सी लैंग्वेज कहा गया, ट्रेडिशनल सी कहा गया। इट मींस 1972 में डेनिस रिची जी ने सी लैंग्वेज को डेवलप कर दिया, जो कि सबसे पहले उसका आविष्कार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया गया था। उसमें हालांकि सी लैंग्वेज के द्वारा यूनिक्स में भी प्रोग्रामिंग की गई, कुछ जो एडवांस प्रोग्रामिंग की गई वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया गया। बिकॉज आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, बिना आवश्यकता के कोई भी चीज का आविष्कार नहीं होता है। जैसे आप देखें जो भी लैंग्वेजेस बनी, जैसे फर्टेन आया तो फर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए था,
इसी तरीके से कोबोल आया जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज था, तो ऐसे ही सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था। हालांकि आज के टाइम में सी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, इन सब में इसका यूज किया जाता है। यह एक बहुत ही अच्छी भाषा है जिसे मिड लैंग्वेज कहा जाता है, एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ना है यदि आपको, तो सी लैंग्वेज का ज्ञान यदि आपके पास है तो आपको बहुत ही सुविधा होगी और हाई लेवल लैंग्वेजेस को पढ़ने में। तो 1972 में डेनिस रिची जी ने सी को डेवलप किया गया, इसलिए फादर ऑफ सी लैंग्वेज सर डेनिस रिची को माना गया है। ब्रायन कर्निंगन एंड डेनिस एम रिची जी ने 1978 में एक बुक लॉन्च किया, एक नया एडिशन लॉन्च किया जिसे द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट एडिशन के नाम से जाना गया। वो उसमें उन्होंने सी लैंग्वेज के बारे में विस्तृत तरीके से बुक में लिखा, जिसके बाद भी ट्रेडिशनल सी को KNRC के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद ANSI का मतलब हो गया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आपको ये मालूम हो कि 1983 में ANSI को डेवलप करा गया। इसके बाद 1988 में ANSI सी कहा गया, जिसने उसका स्टैंडर्ड पब्लिश किया। फिर सी लैंग्वेज को ANSI सी कहा जाने लगा, ANSI सी, इट मींस अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया सी लैंग्वेज का, इसलिए उसको 1989 में उसको पब्लिश किया गया, इसलिए C89 भी कहा जाता है, ANSI सी या C89। इसी तरीके से समय समय पर अंतरराष्ट्रीयकरण होता रहा सी लैंग्वेज का ISO के माध्यम से। ISO क्या है? ISO आप जानते हैं, ISO जो किसी की गुणवत्ता को प्रूव्ड करता है, तो ISO कमेटी के माध्यम से समय समय पर सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को पब्लिश किया गया। उसी क्रम में 1990 में, जिसे C90 के नाम से जाना जाता था, ISO मीन्स हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो स्टैंडर्ड उसका पब्लिश करता है, तो 1990 में सी का एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया ISO कमेटी के माध्यम से, जिसे C90 के नाम से जाना गया। फिर इसी में इसका एक स्टैंडर्ड लॉन्च किया, समय समय पर स्टैंडर्ड अप्रूव किया गया और उसमें उसकी गुणवत्ता को अप्रूव करता रहा ISO, जिसके माध्यम से 1995 में उसका एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया, जिसे C95 के नाम से जाना गया, जो कि ISO कमेटी के द्वारा ही किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके माध्यम से उसका स्टैंडर्ड अप्रूव किया गया, तो C95 के नाम से जाना गया। 1999 में C99 के नाम से जाना गया, बिकॉज ISO के स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया जिसे C99 के नाम से जाना गया। फिर 2011 में दिसंबर में ISO कमेटी स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के माध्यम से एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया, जिसे C11 के नाम से जाना गया, जो 2011 में पब्लिश किया गया। लेटेस्ट देखा जाए तो 2018 में ISO स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के माध्यम से एक नया स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया, जिसे C18 के नाम से जाना गया। तो इस तरह से ये बहुत ही विस्तृत हिस्ट्री है सी लैंग्वेज की और एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो इस हिस्ट्री को हम एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से समझते हैं, जिससे फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आप देखें, मैंने एक टेबल बना रखा है आपके सामने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग है लैंग्वेज, सेकेंड है ईयर एंड थर्ड है डेवलप्ड बाय। तो अगर देखा जाए तो जो सी लैंग्वेज मैंने आपको बताया 1960 में वेल लेबोरेटरीज AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जिसे वेल लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता था, अगर देखा जाए तो उसके इन्वेंशन की बात वहीं से उठी। तो आप देखें यहां लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट एल्गोल। एल्गोल का पूरा नाम होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज यहां इस सरणी में क्यों दिया गया? आपको यह मालूम हो 1958 में एल्गोल डेवलप करा गया, बट कोई भी चीज डेमो के बाद ही उसको यूज में लिया जाता है, तो 1960 माना जाता है जो इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा इसे डेवलप करा गया।
तो एल्गोल जो है आपका एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं, जो 1960 में पब्लिश करा गया, डेवलप किया गया 1958 में, पब्लिश में आया 1960 में, और इसे रूट ऑफ सी लैंग्वेज कहा जाता है। ये सी लैंग्वेज की जड़ है। जैसे पीढ़ियां होती हैं, जनरेशन होती हैं, वैसे अगर सी लैंग्वेज की फर्स्ट जनरेशन देखी जाए तो एल्गोल है, वो रूट है, वो जड़ है, जहां से उत्पत्ति का एक इन्वेंशन का वे स्टार्ट हुआ सी लैंग्वेज का। तो फर्स्ट आपका एल्गोल जो इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा 1960 में डेवलप हुआ। सीपीएल है, उसके बाद सीपीएल आया, जिसे हम बोलते हैं कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कॉमर्शियल सेक्टर में यूज किया जाता था, जो 1963 में, हालांकि इसे भी डेवलप करा गया 1960 में, बट ये पब्लिश हुआ आपका 1963 में। सीपीएल लैंग्वेज 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप करा गया, जिसके फादर क्रिस्टोफर जी थे। क्रिस्टोफर स्टैची ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1963 में सीपीएल को डेवलप किया, जो कि कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। और इसे इंप्रूव करके इसको, चूंकि वो बहुत ही टफ था, और उसको सरल भाषा में सर मार्टिन रिचर्ड्स ने उसका एक एडवांस वर्जन, जिसे बीसीपीएल के नाम से जाना गया, जिसे बेसिक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया, जो मार्टिन रिचर्ड्स जी ने 1967 में इसको पब्लिश किया गया। उसके बाद हमने अभी आपको बताया कि मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा बनाए गए बीसीपीएल को ही इंप्रूव करके केन थॉम्सन जी ने एक लैंग्वेज बनाई, जो कि उन मार्टिन रिचर्ड्स जी को इंपॉर्टेंस देते हुए, बिकॉज उनके प्रोग्राम को ही इंप्रूव करके केन थॉम्सन ने बी लैंग्वेज डेवलप किया था। इस केन थॉम्सन जी ने बी लैंग्वेज नाम कहां से लिया? बीसीपीएल से। मार्टिन रिचर्ड्स जी के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज बीसीपीएल से, तो केन थॉम्सन जी ने मार्टिन रिचर्ड्स के सम्मान में अपनी भाषा का नाम बी लैंग्वेज रखा, जो कि 1969 इसका इन्वेंशन पीरियड है, इसमें पब्लिश किया गया। उसके बाद मैंने भी आपको बताया कि सी लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो बी लैंग्वेज का एक इंप्रूव वर्जन है। बी लैंग्वेज में जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उनको इंप्रूव करके सर डेनिस रिची जी ने एक ट्रेडिशनल सी वर्जन लॉन्च किया। कहने का मतलब, बी लैंग्वेज जो था उसमें डेटा टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, ये स्ट्रक्चर की कोई भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करता था, या कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया जा सकता था आपके बी लैंग्वेज में। लेकिन डेनिस रिची जी का जो प्रोग्राम ट्रेडिशनल सी उन्होंने लॉन्च किया 1972 में, उसमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट था, बी लैंग्वेज में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था, बिकॉज वो कंप्लीटली मशीन लैंग्वेज पर क्रिएट किया गया हुआ था। और ट्रेडिशनल सी जो है उसमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर आप जानते हैं, मैंने भी आपको बताया कि सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये आपका 1972 में डेनिस एम रिची जी ने सी लैंग्वेज को लॉन्च कर दिया, जिसे फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहा गया डेनिस एम रिची जी को। उसके बाद ब्रायन कर्निंगन एंड डेनिस रिची जी ने एक बुक लॉन्च किया, एक उसका एक नया एडिशन लॉन्च किया, जिसे द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट एडिशन कहा गया, और उसका नाम के एन आर सी, कर्निंगन एंड रिची के नाम से के एन आर सी कहा गया 1978 में ट्रेडिशनल सी का नाम के एन आर सी के नाम से जाना जाने लगा 1978 में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि समय समय पर इसके स्टैंडर्ड को पब्लिश किया गया, तो आंसी के द्वारा, आंसी सी, आंसी का मतलब मैंने आपको बताया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा 1989 में इसका स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया। 1988 में ही आंसी सी का आ गया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना 1983 में की गई, इसके बाद 1988 में आंसी सी को डेवलप करा गया, फिर उसके स्टैंडर्ड को पब्लिश किया गया 1989 में, जिसे C89 भी कहा गया, आंसी सी या फिर C89 के नाम से जाना गया, जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसका स्टैंडर्ड पब्लिश किया। उसके कुछ समय बाद 1990 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से 1990 में सी लैंग्वेज का एक
स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया जिसे C90 के नाम से जाना गया। फिर इसी तरीके से 1995 में ISO कमेटी के माध्यम से ही इसका एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया जिसे C95 के नाम से जाना जाने लगा। फिर 1999 में 1999 में ISO कमेटी इट मींस स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के माध्यम से ही इसका एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया जिसे C99 के नाम से जाना गया। फिर 2011 दिसंबर 2011 में ही इसका एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया, अप्रूव किया गया, इसकी गुणवत्ता को अप्रूव करते हुए एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया ISO कमेटी के द्वारा ही जिसे C11 के नाम से सी लैंग्वेज को जाना जाने लगा। और फिर 2018 में C18 के नाम से सी लैंग्वेज को जाना गया बिकॉज ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने इसका एक एडवांस स्टैंडर्ड वर्जन प्रसिद्ध किया, एडवांस स्टैंडर्ड पब्लिश किया जिसे C18 के नाम से जाना गया। तो ये है आपका एक टेबल के माध्यम से मैंने कंप्लीट हिस्ट्री को बताया आपको सी लैंग्वेज का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सी का एक कंप्लीट हिस्ट्री आपके समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, उसका जो उचित सजेशन होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तथा वीडियो को अगर आप रिपीट करके एक से दो बार देख लेते हैं तो फिर कंप्लीट हिस्ट्री आपके समझ में आ जाएगी। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक जरूर करें, शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी ये फ्री क्लासेस प्रोवाइड हो पावे। तथा हमारे चैनल पे आप बने रहें, हमारे चैनल पे आपको हर प्रकार से कंप्यूटर कोर्सेज की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।